जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं द ड्राइव हंट। आज हम लोग नेक्सा गढ़ रोड राधा गोविंद पे मेरठ के अंदर और दिखाने वाले हैं आपको फ्रॉन्क्स पूरी डिटेल। ये अपने पास में है डेल्टा मॉडल फ्रॉन्क्स का, इसका अपर वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है तो इसकी पूरी डिटेल देने वाले आपको। ये क्रॉस ओवर गाड़ी है जो कि मारुति ने एक मरा हुआ सेगमेंट जिंदा करने की कोशिश कर रही है एक बार फिर से, क्योंकि इनकी एक क्रॉस ओवर में एक और गाड़ी आया करती थी एस क्रॉस। तो इस गाड़ी की पूरी डिटेल देने वाले आपको फटाफट से, तो डोंट स्किप, पूरी वीडियो एंड तक देखना। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी है जिसमें कि इसका सुजुकी का लोगो और नीचे की जो ग्रिल है वो पूरी की पूरी डार्क ब्लैक में है, वो कोई भी शाइनिंग पियानो ब्लैक वाला नहीं है, तो वो भी चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इससे अपर वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस और जो अपर वेरिएंट है उनमें आ जाते हैं ड्राइव बीम। इसके ऊपर इसका कोई भी यहाँ पे DRL नहीं मिलता, इसमें मिल जाता है आपको इंडिकेटर। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं तो साइड प्रोफाइल में इसके कुछ ऐसा इसका लुक है ब्लू कलर में, बहुत ज़्यादा स्टनिंग लुक है और क्रॉस ओवर है क्योंकि ये, तो इसकी हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा सही मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइल इसमें मिल जाता है 16 inches का और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये इसकी टायर प्रोफाइल है। क्लाइडिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हिस्सा दिया गया है और यहाँ से कनेक्टिंग होते हुए पूरी पीछे तक जा रही है और ऐसा कुछ इसका लुक है। पीछे वाले टायर भी सेम प्रोफाइल के हैं और यहाँ पे अलॉय का ऑप्शन नहीं है, इससे अपर वेरिएंट में अलॉय का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सिर्फ ड्रम व्हील मिलते हैं जिसमें कि आपको इस टाइप का व्हील कवर मिल जाता है। बात करूँ इसके रूफ़ से तो रूफ़ में इसके कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट में, बल्कि आपको इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे आपको ये रूफ़ रेल्स मिल जाती है। साथ ही इसमें जो शार्क फिन एंटीना है ये भी सेम कलर का है, ये बॉडी कलर का। साथ ही इसका जो पीछे है, पीछे के शीशे पे यहाँ पे डिफॉगर मिलता है लेकिन इस वेरिएंट में कोई भी यहाँ पे वाइपर ऑफर नहीं किया गया है। सुजुकी की बैजिंग सेम लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और पीछे से कुछ लुक है इसका ऐसा। पीछे की जो ये सिल्वर प्लेट है नीचे की साइड, ये बहुत ज़्यादा वाइड दी गई है तो यहाँ पे आपको कोई भी अलग से पाइप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही इसमें दिए गए हैं 4 parking sensors जैसे कि आप देख सकते हैं 2, 3 और एक 4। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है ये वाला हिस्सा और ये वाला जो कनेक्टिंग लाइट है, इस वाले वेरिएंट में नहीं आती कनेक्टिंग लाइट क्योंकि ये डेल्टा है, डेल्टा प्लस से स्टार्ट जाती है कनेक्टिंग लाइट, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर मिल जाता है। साइड वाली जो लाइट्स हैं वो सारी की सारी ग्लो होती हैं, ये तीनों जो सेक्शंस हैं बल्कि, और ये वाला जो कनेक्टिंग है ये वाला ग्लो नहीं होता है। लेके चलूँ मैं इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल पे, तो लेफ्ट साइड प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है जिसमें कि आपको बूट की जो कैपेसिटी है वो 37 liters की मिल जाती है और ऐसा कुछ है इसका व्यू। यहाँ पे कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ऑफर नहीं होते हैं क्योंकि इसकी चाबी जो है वो रिमोट की नहीं है, इसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी नहीं आता है, तो ऐसा कुछ है इसका ये वाला लुक। फटाफट से चलते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ आपको इसकी सारी डिटेल्स। इसके अंदर सबसे पहले तो यार ये सस्ती चीज़ ये दिखती है कि चाबी आज से बहुत साल पहले आती थी, 2013 में डिज़ायर ली थी हम लोगों ने तो उसमें ये वाला ऑप्शन मिलता था चाबी का, लेकिन आज भी मारुति ने ये वाली चीज की कंटिन्यू की हुई है तो ये बड़ी ही बेकार चीज़ है, तो इस वजह से मेरे को बड़ा ही ख़राब लगा। इसके अलावा ये वाला इसका की का ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे ये लोग फ्लिप का ऑप्शन दे देते या फिर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते तो ज़्यादा बेटर होता। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, इंजन ऑन ऑफ का यहाँ पे मिल जाता है, हेडलाइट लेवरर यहाँ पे मिल जाता है, बाकी बूट खोल सॉरी जो फ्रंट हुड है इंजन हुड उसको खोलने के लिए और ये फ्यूल टैंक को खोलने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें ना ही कोई लेदर सीट्स का ऑप्शन मिलता है, ये सारा का सारा फैब्रिक सीट है जो कि एक अच्छे कुशनिंग के साथ में आती है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको दबा भी रहा हूँ तो अच्छे खासे से ये हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर चलते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके गेट की, तो ड्राइवर साइड जो गेट है उस पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के, यहाँ पे कोई भी क्रोम का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये सारा का सारा डार्क ब्लैक है और यहाँ पे मिल जाता है इसका ORVM के एडजस्टमेंट और ये रिट्रैक्ट करने के, लॉक करने के विंडोज़ को और ये गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के। इसके अलावा चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है इसके अंदर, ये सारा का सारा फैब्रिक मिल जाता है यहाँ पे, ये पूरा फैब्रिक मिल जाता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब हार्ड प्लास्टिक है। ये जो वाइन कलर में है ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ये सिल्वर कलर, ये थोड़ा सा डस्की सिल्वर दिया गया है तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लग रही है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर की बात करते हैं, इसमें मिल जाता है इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बीच में एक MID के साथ आता है और लेफ्ट साइड में मिल जाता है इसका RPM मीटर और राइट साइड में मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग पे लेफ्ट साइड में वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड में कोई भी यहाँ पे क्रूज का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये वाले कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे और ये वाला जो हैंडल है वो ऊपर नीचे होता है लेकिन आगे पीछे नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ इसके साइड में तो वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मिल जाते हैं अपने को इसकी हेडलाइट कंट्रोल्स करने के, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन भी नहीं आता इसके अंदर। बाकी बात करें अगर इसके बीच में तो यहाँ पे मिल जाती है एक 7 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और उसके नीचे मिल जाता है ये
हज़ार्ड लाइट्स का स्विच, दोनों एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल रगेड ब्लैक में है, रफ़ ब्लैक, और इसके नीचे मिल जाती है ऑटोमेटिक एसी की यूनिट। ऑटोमेटिक एसी की यूनिट डिट्टो ग्रैंड विटारा वाली है, तो ये वाली यूनिट काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर जो एसी है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने इसका एसी खुद से पर्सनली यूज़ करके चेक किया, तो धूप के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करता है। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ मिल जाता है एक यूएसबी सॉकेट। सो यहाँ पे अगर आपको यूएसबी इंसर्ट करनी है, जैसे कि मैंने आपको ग्रैंड विटारा में दिखाया हुआ है कि वीडियोज़ वगैरह प्ले होती हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप लिंक चेक कर सकते हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा के काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं आपको ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए, ऐसा कुछ है इसका गियर नोब, और यहाँ पे ऐसा कुछ है इसका सेंटर कंसोल। यहाँ पे जो हैंड ब्रेक की है इसमें आपको क्रोम मिल जाता है, इसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट की ऑप्शन नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड से अगर मैं बात करूँ पैसेंजर के सामने की, तो ये जो तीन चार कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पे डिफरेंट है, और इसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, और ये ऊपर ब्लैक दिया गया है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अंदर बैठने के बाद में एक जो प्रीमियमनेस की फील है वो बहुत ज़्यादा आती है इसके अंदर। अपर वेरियंट्स में यहाँ पे ऑल दो लेदर आ जाता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक आती है, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेफ्ट गेट की बात अगर मैं करता हूँ तो लेफ्ट गेट कुछ इस टाइप का मिलता है, ऐसी कुछ है उसकी लुकिंग। ये सब आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है, यहाँ पर भी नीचे भी, तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अगर मैं चलता हूँ उसके पीछे वाली सीट पे, तो आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी, जो कि मेरी हाइट है 5'7", और यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस है जो ऑफर हो रहा है, ऑल दो काफ़ी अच्छा है ये वाला, जो अगर ये वाला एंगल है, ये अगर मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा स्पेस मिलता है। यहाँ पे भी तीन लोगों के लिए हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तीनों के लिए सीट बेल्ट्स हैं, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। साथ ही यहाँ पे शीशा मिल जाता है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक भी नहीं होगा पीछे की साइड से। यहाँ पे ऐसा कुछ है इसके हैंडल्स, ग्रैब हैंडल्स, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिल जाता है इसका ड्राइवर के पीछे की साइड यहाँ पे कोट का हुक। पीछे वाली सीट पे बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कंफर्ट। अगर पीछे वाली सीट पे हम लोग बैठते हैं तो यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है इसके अपर वेरियंट में, पीछे वाली सीट पर आर्मरेस्ट आएगा। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इवेंट्स वगैरह नहीं दिए गए, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी यूएसबी या फिर टाइप सी नहीं दिया गया। सीट की अगर बात करें तो ड्राइवर सीट के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं मिलती, और जो पैसेंजर सीट है उसके पीछे भी कोई भी पॉकेट नहीं मिलती है। अगर हम गेट की बात करते हैं तो गेट पे आपको सिर्फ एक कंट्रोल मिलता है, जो कि विंडो अप एंड डाउन का है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको सेम डोर अनलॉक करने के लिए, जो कि कोई भी क्रोम नहीं आता, ये सारा का सारा रगेड ब्लैक में है। साथ ही ये वाली जो पूरी फिनिश है, ये वाली फिनिश मिल जाती है आपको सारा का सारा फैब्रिक के अंदर, और ये वाली भी फैब्रिक के अंदर है, ये वाला सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। अगर मैं लेगरूम की बात करूं तो लेगरूम मेरे को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि क्रॉसओवर सेगमेंट है, तो बहुत अच्छा लेगरूम मेरे को मिल रहा है। यहाँ पे 5'7" मेरी हाइट है, अगर मेरी हाइट का बंदा आगे जाके ड्राइव करता है, या फिर पीछे सेम हाइट का बैठता है, या फिर मुझसे ज़्यादा हाइट का भी, लाइक 6 फीट, तो उसको लेगरूम अच्छा खासा मिलने वाला है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे भी प्लान करते हैं तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अगर अलावा अगर मैं हेडरूम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इतना अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है, अगर मैं बिल्कुल अपनी पोजीशन में सीधा बैठा हुआ हूँ, तो अगर यहाँ पे 6 फीट का बंदा भी बैठता है तो उसको भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा एडजस्ट होकर बैठते हैं, आगे होकर इस तरह से थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिलैक्स करके बैठते हैं, तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके पीछे बूट में, तो बूट मिल जाता है आपको 308 लीटर का, और ऐसा कुछ है इसका बूट। यहाँ पे कोई भी आपको लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ना ही कोई चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया गया है 12 वोल्ट का, बल्कि यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ है टूल किट रखने के लिए, आपको जैक वगैरह रखने के लिए ये एक स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और तो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हल्की है, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट ठीक है जो दिया हुआ है, तो अगर अच्छे से यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट पर आती है, और यहाँ पे कुछ ऐसा इसका बूट स्पेस मिल जाता है 308 लीटर का, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें मिल जाती है आपको पार्सल ट्रे, ये वाली कुछ है इसकी पार्सल ट्रे, जिसके हुक्स यहाँ पे हैं, तो ऐसी कुछ है इसकी पार्सल ट्रे। तो अगर आप लोग यहाँ पे कहीं ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं और यहाँ पे आप रख के कुछ खाना वगैरह का प्लान करते हैं, तो बहुत ही सही आपको एक जो हाइट का वो चीज़ है वो बहुत सही मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरी हाइट कुछ ये है 5'7", और मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे रख के अगर मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ, या फिर यहाँ पे रख के अगर मैं ड्रिंक्स वगैरह इन्जॉय करता हूँ अपने, तो मेरे को बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक इन्जॉयमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी इस चीज़ की सपोर्ट मिलने वाली है। साथ ही इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है, तो इस पर आप थोड़ा हैवी सामान भी रख सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इसमें कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कीलेस एंट्री नहीं आती। यहाँ पे इसके हैं जो नंबर प्लेट है, उसके बाद लाइट, और इस तरह से कुछ है इसकी क्लोजिंग। साथ ही इसकी जो लाइट्स हैं वो कुछ ऐसी है, यहाँ पे कोई भी आपको कनेक्टिंग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहाँ पे कुछ ग्लोइंग इसकी इस तरह से है, ट्राई लाइक
तीन शेप में, तो इस तरह से कुछ उसकी लाइट है जो कि अपने आप में बिल्कुल हटके अलग लुक दे रही है। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स की अगर हम बात करें तो मेरठ में ये ऑन रोड कितने की पड़ रही है? डेल्टा मॉडल है, ये डेल्टा वेरिएंट है, ये आपको जो पड़ेगा इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 9,20,000 की ऑन रोड कॉस्टिंग। और इसमें अपने पास में मॉडल कौन कौन से हैं? मॉडल जो हमारे पास आते हैं इसमें 5 वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, फ्रॉन्क सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस में आपको दो वेरियंट्स मिलेंगे, 1.2 लीटर इंजन एंड 1.0 बूस्टर टर्बो बूस्टर जाएंगे। उसके बाद आपका जीटा वेरिएंट आएगा, फिर हमारे पास अल्फा आएगा जो 1.2 लीटर इंजन में आपको मिलेंगे, वो केवल तीन वेरिएंट्स मिलेंगे, सिग्मा, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस ऑफ 1.2 लीटर। माइलेज की बात करें तो मारुति की गाड़ी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि माइलेज की बात ना हो, तो इसका माइलेज कितना क्लेम किया है? जो कंपनी ने माइलेज क्लेम किया 1.2 लीटर इंजन में, इसका जो माइलेज होगा वो 22.35 होगा। टर्बो बूस्टर जेट इंजन में 1.0 लीटर में 20.00 जो माइलेज के परस्पेक्टिव से भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे ग्रैंड विटारा में CNG लॉन्च कर दी कंपनी ने, तो इसका कुछ प्लान है अभी या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है? सेफ्टी को लेके बड़ा ही एक कंसर्न रहता है भैया कि मारुति की गाड़ी लेने के बाद कि हाँ सेफ्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सेफ्टी परस्पेक्टिव से गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं? मैं वही चीज़ बताऊँगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मारुति बनाती है एक फैमिली कार्स, बोल सकते हैं कि आप फास्ट कार्स हम नहीं बनाते हैं, बिल्कुल फैमिली कार्स बनाते हैं, जिसके लिए मारुति ने जो इसको सेफ्टी रेटिंग्स भी दिए हैं, जो हम इसमें आपको दे रहे हैं वो डुअल एयरबैग्स होगा, नेक्सा की सेफ्टी सेल्स मिलेंगी आपको, जिसमें आपका ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, आपके हाई स्पीड अलर्ट्स और टच चाइल्ड इनकरेजर सीट्स के साथ काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको उस कार में मिलेंगे। और जैसे जैसे आप अपग्रेड करेंगे वेरिएंट्स को, अगर आप जीटा वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आपका 6 एयरबैग्स के साथ आपकी सेफ्टी इसमें आपको मिलेगी, मतलब सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी पूरा ध्यान दिया गया, पूरा ध्यान दिया गया। कार का वेट भी इसका काफ़ी बड़ा है, अपग्रेड किया गया, तो ऐसा नहीं है कि सेफ्टी पर्पज से भी आपको ये पॉजिटिव प्लस। राइट, मैं बात करूँ इसकी अवेलेबिलिटी की तो मेरठ के अंदर ये कितने टाइम में अवेलेबल होगी? अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो अवेलेबिलिटी जो है इसका कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मंथ्स की वेटिंग रहेगी। और अगर आपके रेफरेंस से होगा, रिस्टॉक के रिगार्डिंग्स होगा, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं, भैया की जो डिटेल्स हैं उनका नाम, उनका कांटेक्ट नंबर, जो यहाँ पे शोरूम का जो एड्रेस है वो सब आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी शो है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपके स्क्रीन पर शो है। इसकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में तो आप हमें वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं, हम लोग भैया से कॉन्टैक्ट करके आप तक सारी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और अगर आप लोग ये वाली गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोग टेस्ट ड्राइव के लिए भी या फिर किसी भी डिटेल के लिए एक बार यहाँ पे नेक्सा पे विजिट कर सकते हैं, राधा गोविंद नेक्सा गढ़वाल। तो ऐसा था कुछ इस गाड़ी का वॉक अराउंड, पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करी, सब कुछ एंड टू एंड। इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो आप लोगों को और कुछ चाहिए हो इसकी डिटेल्स में तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, और हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में, थोड़ा प्यार देना और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। जय श्री राम।